नए अस्पताल में मिली खामियों की जांच होगी। इस संबंध में ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर तथा एससीएस को पत्र भेजा है। उन्होंने उच्च स्तरीय कमेटी गठन करके बिना सूचना के मेडिकल कॉलेज के संलग्न चिकित्सालय का निरीक्षण करने के लिए कहा है। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर 7 मई को दोपहर 1 बजे अचानक मेडिकल अस्पताल पहुंचे, जहां पर काफी अनियमितताएं सामने आई थी। निरीक्षण के दौरान वहां आउटडोर में विभाग के प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर मौके पर नहीं मिले। अस्पताल रेजिडेंट डॉक्टर के भरोसे से चल रहा था। प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर आउटडोर वार्ड में नहीं होने से मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा व्यवस्था का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहां पर उन्हें प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा घर पर ही मरीज देखने की शिकायतें भी मिली थी। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में एसी कूलर खराब होने और मरीजों के फर्श पर लेटे हुए मिलने पर नाराजगी जाहिर की थी। अस्पताल में सफाई व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। मरीज को एमआरआई के लिए 30 दिन और सोनोग्राफी के लिए 15 दिन की वेटिंग की जा रही थी। वहीं हालांकि मौके पर ही प्रिंसिपल और व्यवस्थाएं ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन फिर भी व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ था।